अब इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के धोज गांव में। धोज गांव जो है वो पूरा मुस्लिम समुदाय का गांव है और यहां पे जो है वो स्वतंत्रता दिवस यानी कि जिस तरीके से 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली, एक अलग ही जो मिसाल है वो गांव के लोगों ने पेश करी है। गांव की ही एक बेटी जो कि इसी स्कूल में पढ़ करके गई थी, उसी का जो है मान सम्मान करते हुए गाँव के लोगों ने आज जो है वो यहाँ पर एक मिसाल पेश करते हुए बेटी के हाथों से जो है वो तिरंगा फहराया था। और ये देखिए फिलहाल जो प्राइज वितरण का कार्यक्रम है वो बड़े धूमधाम से चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से जो है वो आज यहाँ पे आलिया माजिद नाम की बेटी है जो कि इसी स्कूल से पढ़ के गई थी और टॉपर रही थी गांव की। तो जिस तरीके से कहते हैं कि गांव की मिट्टी में पढ़ने के बावजूद भी बच्चा जो है वो आज की डेट में एक बड़े मुकाम पर पहुँच सकता है, इस बेटी ने जो है वो 99% मार्क्स हासिल करे थे 10th में और 12th में 98% मार्क्स हासिल करके जो है वो इन्होंने गांव का और पूरे देश में नाम रोशन किया था। फिलहाल जो आलिया है वो मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं जो कि एक कहीं ना कहीं फर्स्ट रैंकिंग आती है इंडियन कॉलेज के अंदर। और इनके पिताजी के बारे में बता दें हम आपको थोड़ा सा, पिताजी जो इनके डॉक्टर अब्दुल माजिद हैं जो कि CGM हैं, फिलहाल सेशन जज हैं नारनौल के अंदर। और ये देखिए गाँव में फिलहाल बच्चियों का मान सम्मान किस तरीके से किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में गांव के लोग जो है वो बच्चे यहां पे मौजूद हैं और हाथों में सबके तिरंगा आपको दिखाई देगा। और इसी तरीके से देखिए ये तिरंगा जो आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तिरंगा कुछ ही देर पहले जो है वो इन्हीं बेटी ने जो है वो अपने हाथों से फहराया था और इसके बावजूद गाँव के लोगों के लिए एक संदेश भी दिया है, कहीं ना कहीं गाँव के लोगों को एक मैसेज दिया है कि जिस तरीके से गाँव के लोग आज की डेट में बेटियों को जो है वो अक्सर देखा जाता है कि बंद कमरे में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटियों को बिल्कुल पूरे तरीके से फ्रीडम देने के बावजूद जो है वो यहाँ पे इसी तरीके का आपको माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल जो हम आपको एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, आलिया की मम्मी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उन बच्चियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैसेज वो जो है वो देना चाहती हैं। आप मदर हैं आलिया की, आप मम्मी हैं आलिया की, मुझे यही है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मेरी बेटी को इतने इस पर्व पे बहुत सम्मान मिला। मैं सभी बेटियों के लिए यही चाहूंगी कि सबकी बेटियों को इसी तरह पूरा सम्मान मिले और वो आगे बढ़े। अली बीमार साथ है बेटा, किस तरीके से क्या मैसेज दोगे बच्चों के लिए? उनको मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि अपना ये टाइम यूटिलाइज करें, अच्छे से पढ़ें और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें कि उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है और आगे बढ़ें। मैडम प्रिंसिपल, और एक बेटी और है जो कि गांव से ही पढ़ी थी, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम है नजमा। हाँ जी, बहुत गौरव महसूस करें और बहुत खुशी की बात है, हमें वो मिला चांस और सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बड़ी उपलब्धि होती है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल में आप तिरंगा। बड़ी उपलब्धि, सबको नहीं मिलता ये चांस झंडा फहराने का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उस समुदाय से बिलोंग रखते हो जहाँ पर बेटियों को कहीं ना कहीं पर्दे में रखा जाता है, क्या मैसेज देना चाहोगे उन माँ बापों को? सर मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स मेरे अम्मी अब्बू की तरह हो, जो पढ़ाए अपने बच्चों को, यही संदेश है, सबके अम्मी अब्बू पढ़ाए उन्हें। देखिए इन बच्चों का एक ही मैसेज है कि जिस तरीके से एक गर्व की बात है कि बच्चों को जो है वो आज की डेट में इस मुकाम पर पहुंचाया जाता है पढ़ाई लिखाई करवा करके, और एक छोटे से गांव से पढ़ करके एक बेटी जब उसी गांव के अंदर आकर के अपना तिरंगा फहराती है तो कहीं ना कहीं उस माँ बाप का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। फिलहाल उसी बेटी ने गांव में पहुंच करके जो तिरंगा फहराया और उसके बावजूद माँ बाप का नाम रोशन करा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब के सिटी में। सोनीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भावी उम्मीदवार देवेंद्र सैनी पत्रकार की तरफ से सभी प्रदेश वासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों बधाइयां। छोटू राम विचार मंच की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक सुरेंद्र ढूल, जिला अध्यक्ष छोटू राम विचार मंच। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भारत भूषण की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।